आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बेहद ही खास है खासतौर पर अगर हम घर की ओर देखें क्योंकि घर पे जब भी निगाह जाती है तो सबसे पहली जो निगाह पड़ती है वो रसोई पे पड़ती है और यहां पर हम बात करेंगे रसोई की देखभाल और सफाई पर जिस पर हमेशा हम देखते हैं कि घर वालों का सबसे ज्यादा फोकस होता है इसके लिए बेहद दो खास मेहमान हमारे साथ हैं हमारे साथ है डॉक्टर रंजना अग्रवाल एसईओ और हमारे साथ है एनआईओएस की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संध्या कुमार आप दोनों का स्वागत है मैम नमस्कार जी तो जैसा मैंने कहा कि रसोई घर का सबसे कहा जाए हाइलाइटेड पॉइंट होता है इसकी सफाई इसकी देखभाल इसमें कहीं ना कहीं घर वालों का चाहे वो गृहिणी हो चाहे वो मैन हो दोनों का ही सबसे ज्यादा फोकस होता है और बहुत बारीकी से कोशिश करती हैं कि ये साफ सुथरा और अच्छा दिखे और कोई भी मेहमान आए तो वो उसकी तारीफ करे आप लोग आज क्या कुछ बताने वाली है इसके लिए क्या क्या टिप्स देंगे बिल्कुल सभी शिक्षार्थियों और श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आज का जैसे कहा तो रसोई या किचन ये एक ऐसा स्थान है जो हार्ट एंड सोल ऑफ द हाउस कहलाता है और पुराने जमाने में भी इसको प्राथमिकता दी जाती थी और रसोई में कुछ भी अन्न पकता था या कुछ और भी पकता था तो पहले प्रसाद के रूप में ईश्वर को चढ़ाया जाता था तब पूरे परिवार को खिलाया जाता था और आज भी ऐसी मान्यता है कि रसोई में जो भी खान पान पकेगा वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए और खुशहाली के एक मापदंड भी कहलाता है तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं और इस चर्चा को हमने रसोई को हमने चार हिस्सों में विभाजित किया है क्योंकि एक तो हिस्सा है कि आप रसोई में जो भी आपका साइज है जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप बेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यानी कि व्यवस्थित कर सकते हैं फिर खान पान के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या आपको जो भी रेसिपी तैयार करनी है पकवान बनाना है उसकी तैयारी उस समय या उससे पहले जो आवश्यकताएं होती हैं उसको कैसे कर सकते हैं जो आपकी आपको केयर भी करनी है देखभाल भी करनी है और साथ साथ सफाई भी रखनी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे उससे एक और अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि रसोई में कोई भी सावधानी रखनी आवश्यक है जिससे कोई भी दुर्घटना ना घट सके जिससे हमें नुकसान हो सके मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत अच्छा करती आई है उस पर हमारे श्रोताओं से कुछ बातचीत करें धन्यवाद अंजना जी जैसे आपने कहा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अपने वर्क स्पेस या जहां हम काम कर रहे हैं उस एरिया को व्यवस्थित करना बहुत ही आवश्यक होता है बिल्कुल ठीक क्योंकि है। क्योंकि जब तक हम सभी चीजें अपने आसपास नहीं रख लेते हैं तो हम परेशान होते हैं कि अब हमें चाकू चाहिए चाकू कहाँ मिलेगा भाई अभी हमें चिमटा चाहिए तो चिमटा कहाँ मिलेगा तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें अपनी रसोई को व्यवस्थित कर लेना चाहिए जिसको हम आ, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो हम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का टर्म देते हैं बिल्कुल अब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन देखिए रसोई है आपकी यदि आप एक अपना मकान घर बना रहे हैं तब तो आप अपने हिसाब से रसोई तैयार करवा सकते हैं यानी आप डिजाइन कर सकते हैं कि आपको सिंक कहाँ लगवाना है आपका जो स्लैब होगा जिस पर आप खड़े होके काम करेंगे वो आपको कितना ऊंचा या नीचा लगवाना है अपने लंबाई के हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से आपका बर्ड कहाँ बनाएंगे नीचे बनाएंगे या ऊपर बनाएंगे आपकी खिड़की कहाँ होगी आप चिमनी कहाँ लगाएंगे ये सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं लेकिन मानिए कि आप किरायेदार हैं आप किसी किराए के घर में आते हैं तो आप क्या करेंगे आपको तो बनी बनाई रसोई मिली है उसमें आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं लेकिन वहां पर आप क्या कर सकते हैं उसकी व्यवस्था आपके हाथ में है काफी टर्म तो ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं आपको कोई खील नहीं ठोकेंगी कहीं भी कुछ नहीं करेंगी तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल तो उन सब चीजों को देखते हुए हम पहले बात करते हैं कि जो किचन होती है वो कितनी प्रकार की हो सकती है देखिए आपकी किचन में स्लैब एक ही दीवार पर हो सकता है एक ही स्लैब हो सकता है लंबा पूरा स्लैब है तो उसे हम कहेंगे वन वॉल किचन ठीक है एक तरफ आपका दरवाजा है जहां से आप घुसे और एक दीवार पर जो है आपकी पूरी स्लैब बनी हुई है और दूसरी दीवार जो है वो पूरी खाली है ठीक है थीके? तो वो हो गई आपकी वन वॉल किचन उसके बाद में आप लंबी किचन अगर होती है तो उसमें आप एल शेप का स्लैब भी देखते हैं कहीं कहीं होता है एल जो इंग्लिश का लेटर होता है एल जिसमें एक साइड लंबा होता है और एक साइड छोटा होता है तो एल शेप की किचन भी होती है तो उसमें आपको दो स्लैब मिल जाते हैं अपनी चीजें रखने के लिए सामान रखने के लिए और एक होती है यू शेप की किचन जिसमें इंग्लिश का जो लेटर यू होता है उस शेप में आपको दो लंबे स्लैब्स मिल जाते हैं और उन दोनों को जोड़ता हुआ एक गोलाकार स्लैब भी मिलता है तो डिपेंड करता है कि आप जिस मकान में घर में रह रहे हैं उसमें किचन किस प्रकार का है ठीक है और ये भी एक मानी हुई बात है अजना जी की आजकल जो किचन हम लोग यूज कर रहे हैं या जहां भी हम काम करते हैं वहां लोग खड़े होकर ही काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा मगर मेरे ख्याल से ये तो हमने जो चर्चा करी जो ऑलरेडी मकान है या फ्लैट है हमारे नियर बाई एरिया में पर कुछ पुराने जो घर हैं, जो पुरानी आदतें हैं मेरे ख्याल से वो लोग बैठ के काम करना आज भी पसंद करते हैं अगर करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है सही काम कि है. जब हम बैठ के जमीन पर काम करते हैं तो हमारे शरीर के बहुत से अंग बहुत सुचारू रूप से कार्य करते हैं जो की सेहत के लिए अच्छा होता है तो दोनों ही तरह से हम देखते हैं कि काम कर, कर सकते, सकते हैं।, हैं या तो बैठ करके अगर हमें सूट करता है या खड़े होके जैसा भी हो तो अब हम चर्चा करते हैं कि मैम हमारे लिए क्या क्या बेसिक है जो हमारी रसोई में होती ही होती है जैसे स्टोव हो गया तो वो गैस का चूल्हा भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है जी। जो तरह तरह से आ रहे हैं एक पानी की व्यवस्था चाहिए होती है हमें बिल्कुल तो में जो है वो सिंक के तौर पे आता है जहाँ पर नहीं है वो लोग बाल्टी रखते हैं या कुछ और व्यवस्था करते हैं तो पानी की व्यवस्था चाहिए होती है हमारे यहाँ रॉ फूड इंग्रेडिएंट रखने की व्यवस्था हमें चाहिए होती जैसे है जैसे आलू प्याज या सब्जियाँ आपको रखनी है तो उसकी व्यवस्था अलग चाहिए हमें जो सूखा अनाज रखना है दालें हो सकती है उसमें आटा हो सकता है चीनी है चाय पत्ती है तेल है बहुत तरह की चीजें हमारी और जैसे जैसे हमारी रसोई की उम्र बढ़ती है परिवार की उम्र बढ़ती है तो हमारे पास सामान भी कई बार बहुत बढ़ने लगता है जी और फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी चीजें बढ़ जाती हैं। जी तो उस हिसाब से हम किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं देखिए अगर आप आ, साफ सफाई हाइजीन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो किचन में कहीं पर भी जो धुआं उठता है उसके निकास की व्यवस्था होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है। तो आपके किचन में अगर खिड़की है बड़ी उसे आप खुले रखें ताकि आपको आ, वेंटिलेशन मिले और जो धुआं निकल रहा है वो बाहर जा सके अगर खिड़की बहुत बड़ी नहीं है या आप खोल नहीं सकते हैं तो आप एक एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं जो धुआं बाहर खींच ले और वही काम जो है एक चिमनी भी करती है जो बड़ी होती है काफी काफी पावरफुल होती है और साथ ही कहें तो महंगी भी होती है तो हर किचन में ये लगाना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन कई किचन में होता है तो एक तो ये हो गया कि आपका जहां भी कुकिंग एरिया है उसका आप स्टोव uh, रखेंगे गैस का है या इलेक्ट्रिक है या केरोसिन या हॉब होता है जिसे हम कहते हैं जो बिल्ट इन स्लैब में ही लग जाता है ऊपर उठा हुआ नहीं होता है तो उसके ऊपर धुएं के निकास के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल और मेरे ख्याल से जब आप मकान देखने जाएं या बनवाने जाएं तो इन व्यवस्थाओं पे अधिक ध्यान दें कि उसका निकास क्या होगा और अगर इस बात का भी ध्यान दें कि वहां पर आपकी सूरज की रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है तो ढूंढने की कोशिश करें या प्रेफर करें जहाँ पे रसोई में सूरज की रोशनी आती हो और वहां पे कोई खिड़की भी बनी हो जहां से वो धुआं या कोई भी महक बाहर जा सके बिल्कुल तो बिल्कुल वो बहुत जरूरी है मैं तीसरी चीज मैं एक साथ में ही जोड़ना चाहूंगी जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जो वेस्ट डिस्पोजल होता है हमारी किचन का चाहे वो सब्जियों का छिलका हो फलों का छिलका हो या दिनभर का जो भी है जो भी व्यवस्था आप उसमें कर रही है कूड़ादान रख रही है ढका हुआ रखिए वो भी बाहर व्यवस्था अगर हो किचन में ज्यादा ना करना पड़े या उसका निकास का क्या व्यवस्था है उस पर अवश्य ध्यान दें जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कूड़ा हमारा निकलता है उसके निपटान की भी जो है हमें सोच लेना चाहिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और अब, क्यों करनी चाहिए उस पर भी हम दो बातें करने तो मेरे ख्याल तो मेरे ख्याल से क्या नाम है कि जो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यही एक जड़ है अगर वहीं पे आपका कूड़ा पड़ा रहेगा या व्यवस्था सही नहीं काम करने में जो परेशानी होगी होगी मगर आपका स्वास्थ्य पे बहुत जहरा असर पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी उसमें आपका अगर व्यवस्था नहीं है एयर नहीं वो हो रही है तो बहुत जल्दी वहाँ पे आप बीमार पड़ सकते हैं इन्फेक्शन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म तरह तरह के ग्रो हो सकते हैं आपकी खाद्य चीजे बहुत जल्दी खराब होने लगेंगी और कई बार मालूम भी नहीं चलेगा कि आपकी चीजें खराब हो गई जरूरी नहीं है हर पे आपको तुरंत फंगस दिखाई दे मगर अंदर अंदर चीजों में क्योंकि उसमें एरेशन नहीं हुआ है एम आई राइट मैम जी बिल्कुल इसी उसमें देखिए बहुत ही लोग बहुत आम है ये परेशानी कि किचन में कॉकरोच की समस्या होती है बिल्कुल छोटे छोटे लाल लाल बड़े बड़े तिलचट्टे जो है घूमते रहते हैं कितना नुकसान करते हैं कितनी बीमारियां फैलाते हैं कितना इन्फेक्शन करते हैं इससे हम सब वाकिफ है और ये क्यों होता है क्योंकि हम अपने किचन में पूरी सफाई।, सफाई नहीं रख पाते हैं कूड़ा पड़ा रहने देते हैं जो खाद्य पदार्थ बचा है उसे रात भर स्लैब पे रखा रहने देते हैं उसे ढकते नहीं है तो ये में गंदे बर्तन पड़े रहते जी, हैं बिल्कुल वो तो जैसे ही लाइट ऑफ होती है कॉकरोच सब बाहर आ जाते हैं उनको तो खाने का जरिया मिल गया बिल्कुल तो वो खाना खाने बाहर आते हैं और साथ में बीमारियां छोड़ के जाते हैं हम लोगों के लिए तो आप उसके तो, लिए क्या करें देखिए उसकी बात हम अभी थोड़ा सा बाद में करेंगे इसकी बात करने से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं किचन में तो देखिए आपके पास जरूरत क्या है कि आप अपना सामान ढंग से रख पाए जिसे जब आपको जरूरत हो आप उसे आसानी से ले पाए ठीक है तो इसके लिए आप कबर्ड्स बनाते हैं अलमारियां बनाते हैं ड्रॉर्स बनाते हैं और उनमें अपना सामान व्यवस्थित करके रखते हैं लेकिन सामान रखने का भी एक कायदा अपनाइए वो कायदा क्या है जो सामान आपको कभी कभी मान लीजिए छह महीने में एक बार या साल में एक बार जरूरत पड़ती है उसे आप ऐसी जगह पर रखे जहां पर आपको कभी कभी निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं ये जगह कौन सी होती है किचन में आपके पास में ऊपर की जो शेल्फ होती है ठीक है ऊपर जगह है वहां आप कभी स्टूल पे चढ़ के सामान तो उतार सकते हैं लेकिन रोज नहीं उतार सकते हैं ठीक है तो जैसे बड़ी कढ़ाई है या बड़े भगोने हैं या पीतल का सामान है आपके पास में या गर्मियों में कई घरों में जो इंसुलेटेड वॉटर जग होता है जिसे मयूर जग भी कहते हैं उसमें पानी भर के रखते हैं तो वो गर्मियों में इस्तेमाल होता है लेकिन सर्दियों में उसका कोई काम नहीं होता है तो उसको आपको स्टोरेज में रखना पड़ेगा ऐसा सामान आप ऊपर जो शेल्फ बनी होती है उसमें एक तरफ रख दीजिए ठीक है बड़ा परिवार आ गया कभी आपने कोई शादी ब्याह हो गई आपके घर में है तो, तो ये आपको बड़े बर्तन तब चाहिए, तब चाहिए रोज तो नहीं चाहिए ठीक है तो ये आपने उठा करके अलग रख दिए अब आपकी वो ऊपर की जो जगह है वो ऑक्यूपाई हो गई वो यूज हो गई है और यूजफुली यूज हुई है कि आपको कभी कभी वहां से सामान उतारना पड़ेगा लेकिन बड़ा सामान तो और भी होता है आपका आटे का डब्बा होता है भारी होता है ठीक है लेकिन उसे आप ऊपर नहीं रख सकते हैं क्यों नहीं रख सकते हैं क्योंकि आटा तो आपको कई बार चाहिए दिन में दो बार तो कम से कम चाहिए ही चाहिए तो क्या आप स्टूल पे चढ़ के इतना भारी डब्बा उतार करके उसमें से आटा निकालेंगी जी। बिल्कुल नहीं तो उसे आप नीचे रखिए ठीक है तो जैसे आटे का डिब्बा है या चावल का डिब्बा है या आप गेहूं अगर रखते हैं भर करके अनाज का भंडारण करते हैं कि आपने फसल पर ले लिया और आप साल भर उससे में से निकाल के पिसवाते हैं तो ये चीजें आपको नीचे रखनी पड़ेंगी ठीक है क्योंकि ऊपर उठाकर आप नहीं रख सकते हैं अब बची इन दोनों के बीच की चीजें जैसे दाल है सूजी है, मैदा है, मैदा बेसन है नमक है मसाले हैं इनको आप कहाँ रखेंगे ये अब आपके किचन की डिजाइन पर डिपेंड करता है कि आपके ये शेल्व आपके स्लैब के नीचे हैं या स्लैब के जस्ट ऊपर है तो ये रोज और हर खाना बनाते समय आपको चीजें चाहिए बिल्कुल तो आपके हाथ की पहुंच के अंदर होने चाहिए ये जितनी दूरी हाँ तक आपका हाथ जाता है ऊपर या नीचे ठीक है आप आराम से बिना ज्यादा झुके या बिना स्टूल की आवश्यकता के आप इन चीजों को आराम से उठा सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से देखिए आपका जो एफर्ट होगा किचन में काम करने का वो बहुत कम हो जाएगा यहीं पे हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं जिससे हमें ज्यादा काम करके जल्दी थकान नहीं होगी जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई रसोई में काम करेंगे तो थक जाएंगे तो ये जो मैम ने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बताया है उसका जो मेन एम है व्यवस्थित लगेगा एक अच्छा लुक देगा और साथ ही साथ आपकी थकान नहीं होगी और आपका कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं होगा तो कितना अच्छा है आपको सिर्फ ये सोच लेना और मेरे ख्याल से आजकल ऑर्गेनाइज़र्स आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बाहर बाजार में भी बहुत मिलते हैं नहीं तो जो पुराने कार्टन हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रैक्स बना सकते हैं उस तरीके से भी किसी में चाहे कपड़े लग के आप साइड में जो हैंगिंग चीजें हैं दीवार खाली पड़ी रहती है अगर दो हुक लगा के अगर आप सिंपल एक पैलिथिन बैग भी टांग देंगे या एक का, कपड़े का बैग भी टांग देंगे तो उसमें भी आप खड़ी चम्मचों को लंबी लंबी रख सकते हैं और आपको वो स्पेस भी नहीं घेरेगी दीवार पे आप कुछ हुक टांग सकते हैं जैसे आपको कपड़े टांगने वाले जो हुक होते हैं वो भी अगर आप दीवार में फिक्स कर देंगे तो आप अपने रोजमर्रा के कलछियां हैं पेन है उनको मेरे ख्याल से बहुत आसानी से रख बिल्कुल, सकते बिल्कुल. फिर एक कप्स और ग्लासेस बहुत जरूरी होते हैं अचानक कोई आया आपको कप चाहिए अचानक कोई आया आपको पानी पिलाने के लिए ग्लासेस चाहिए तो उनको रखने की व्यवस्था भी आपको तुरंत सोच लेनी चाहिए ये नहीं की भाई हमारा अच्छा वाला जो है बहुत अलग से रखा था हमें उसे निकालना है कुछ तो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करिए कि आवश्यकता पड़ने पर आप तुरंत उन चीजों तक पहुंच सके बिल्कुल इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी अंजना जी कि क्या होता है कि हम ड्रॉर में सभी चम्मच एक साथ रख देते हैं और वहीं पर हम चाकू भी रख देते हैं अपने जो नाइव एंड फोक्स होते हैं वो भी उसमें रख देते हैं और जब हम हड़बड़ी में कुछ उठाने जाते हैं तो हमारा हाथ निश्चित बड़ रूप से कट सकता जाता है ठीक है ना तेज धार वाला चाकू आपने चम्मचों के साथ अगर रखा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कभी न कभी आपका हाथ जरूर कटा होगा बिल्कुल ठीक है तो ये आपको क्या सिखाता है कि आप अपनी जो दराज है जो ड्रॉर है उसमें भी कार्डबोर्ड लेकर के या आ, कुछ थे करके आप जो है उसमें कंपार्टमेंट्स बना लें उसको ऑर्गेनाइज कर लें और चाकू एक साथ रखें चम्मच एक जगह रखें नाइव एंड फोक्स एक जगह रखें छोटी चम्मच अलग रख दें आप तो इस तरह से ना आपको परेशानी होगी उनको रखने में ना उठाने में और आपके हाथ भी सुरक्षित एक बार मेरे को एक चीज और सोची कि कई बार क्या होता है काफी लोग क्या समय नहीं होता है तो वो गीली चीजों को ही अंदर रख देते हैं सुखाते नहीं है तो आप दो चीजें कर सकते हैं या तो आप उन्हीं चीजों को बाहर एक बड़े कोई पुराना आपका कंटेनर हो पुराना कप हो पुराना जग हो ग्लास हो लोटा हो उसमें आप अपनी चम्मचों को एक अलग चाकू के लिए एक अलग कर लें। और नीचे अगर अंदर रख रहे हैं या बाहर रख रहे हैं तो नीचे एक पेपर टॉवल लगा सकते हैं या ऑर्डिनरी कोई पुराना कपड़ा रख सकते हैं टॉवल रख सकते हैं जिससे जो भी उसका गीलापन होगा तो आपका समय भी वो अलग होने वो नी, नीचे आ जाएगा और क्योंकि अगर उनमें गीला हो गया तो वो आपको मालूम भी नहीं चलेगा वहीं पे माइक्रोव माइक्रोब्स ग्रो होने लगते हैं और वो आपको आप तो कहते हैं हम बीमार पड़ गए मगर कारण कहाँ चला वो आपने कभी एहसास ही नहीं किया कि भाई मैंने जो काम करा था वो रा नीचे से रह गया था वहीं से हमने काम कर दिया इसी तो इस में वंग... एक चीज और एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी देखिए क्या होता है कि आमतौर पे आ, हमारे घर में बाई आती है वो बर्तन माज करके रख जाती है साफ करके रख जाती है और हम उसे उठा करके जगह पे रख देते हैं चाहे वो हम बर्तन स्टैंड में लगाए या ड्रॉन में रखे या वो ऐसे पड़े रहते हैं लेकिन उसमें भर जाते हैं लेकिन मैंने एक चीज सीखी है कि अगर एक सूखा कपड़ा लेकर के इन बर्तनों को पोच करके आप लगाते तो ना केवल जैसे अंजना जी ने कहा कि आ, सीलन नहीं आती है आपके माइक्रोब्स से इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बर्तन है उनकी लाइफ बढ़ जाती है उनकी जो चमक होती है वो नई सी बनी रहती है कोई भी आपके घर आएगा तो पूछेगा नया खरीदा क्या तो इसलिए ये थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन आप अपने किचन को बिल्कुल चमचमाता हुआ रख रखे है और अपना स्वास्थ्य भी बना सकते हैं और छठे भी और यहाँ पर एक जो रोजपर्रा की चीज होती है सभी के घर में सूखा आटे का डिब्बा या स्पाइस बॉक्स जो उसी में ही आप भरते जाते हैं या जो बाजार से नया सामान लाते हैं वो जो नीचे पुराना बचा है उसी के आप ऊपर नया डाल देते हैं तो यहाँ पर भी मैं दोबारा से आपको कहना चाहूंगी कि आप उस चीज को दोबारा से उसके ऊपर न डालें, पहला वाला खत्म कर लें, फिर उसके ऊपर डालें, उस पैकेट को एक स्टोरेज कंटेनर बना सकते हैं, या तो बंद वहीं पे रखें, या पहले पुराना ले लें उसके नीचे साफ कर लें, तब नया चीज भरे पुराने डिब्बों में या जो धुले हुए नहीं है साफ नहीं है उसमें दूसरा सामान अवॉइड करें भरना तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल कि जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले कंज्यूम किया गया उसके बाद जो आया है उसके बाद कंज्यूम किया जाए बिल्कुल ठीक है अच्छा जी अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ये तो हमने अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने की कुछ बातें की कुछ टिप्स दिए हमने अपने श्रोताओं के साथ में शेयर किए हैं लेकिन अब हम कुछ बात करें कि जो हम पकाने वाले हैं अपने कुकिंग करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए उसके लिए मैम जैसे जितने भी हमारे परिवार में लोग हैं सबसे पहले उनकी उम्र क्या है और उनका स्वाद क्या है क्या चीज पसंद करते हैं ये मेरे ख्याल से अगर गृहिणी समझ लेगी तो इससे सिर्फ उसके लिए खाना बनाना ही आसान नहीं होगा उसको अपने परिवार की तरफ लगाव और रिलेशनशिप मेंटेन करने का बढ़ाने का अपना जो जुड़ाव है वो बनाए रखने में बहुत मदद करेगा इसीलिए रसोई को एक ऐसा स्थान दिया गया है कि जहां पर सिर्फ खाना ही नहीं पकता रिश्ते भी पनपते हैं इसका कहा मतलब आप कहना चाहती हैं कि वी मस्ट थिंक बिफोर वी कुक यानी हमने अपनी कुकिंग की प्लानिंग की है उसके बाद हम कुकिंग शुरू करें बिल्कुल तो इस प्लानिंग में आपने कहा कि हमें ये तय कर लेना चाहिए कि क्या पसंद है मेरे परिवार की या आपके परिवार के लोगों की क्या वो खाना चाहेंगे किस समय और क्या आयु है बच्चे हैं तो वो क्या पसंद करेंगे और बुजुर्ग हैं तो वो क्या पसंद करेंगे या उन्हें किस चीज की आवश्यकता है तो ये प्लानिंग हो गई हमारी बिल्कुल उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी उनको पसंद है या मुझे कल क्या बनाना है सपोज लंच बॉक्स हो गया सुबह सुबह सबका लंच बॉक्स बनता है एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर जी. रहे हैं बच्चों को स्कूल जाना है कई बारी गृहिणी जो होती है वो खुद भी वर्किंग होती है उसको भी एक लंच बॉक्स ले जाना है उसके हस्बैंड को भी जाना है और घर में अगर कोई बुजुर्ग रहते हैं उनको भी घर में रहना है या कहीं जाना है तो ये अगर वो पहले दिन सोच लेगी और उसके पास जितना समय है जितनी उसकी स्किल है ऐसा नहीं कि उसको बनाना नहीं आता कोई भी नई चीज वो सुबह सुबह ट्राई करेगी तो वो उस दिन नहीं करनी चाहिए एक तो इस बात का ध्यान रखें और जो भी आप प्रकार बना रहे हैं क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी रसोई में मौजूद हैं या नहीं है अगर कोई चीज ऐसा आप जानती हैं कि आपको स्प्राउट्स बनाने हैं या आपको राजमा का बनाना है या मुझे छोले बनाने हैं जिसकी प्री प्रिपरेशन की आवश्यकता है जो काफी साउथ इंडियन होते हैं उनको इडली डोसा वगैरह बनाना होता है तो ऐसा नहीं कि आपने तुरंत सुबह सुबह बनाना शुरू कर दिया आपको पहले सोचना होगा कि क्या क्या है उसके लिए क्या क्या यूटेंसिल्स लगेंगे जैसे मैंने इडली का एग्जाम्पल दिया तो आपको वो इडली का स्टैंड बाहर निकाल के रखना पड़ेगा जिससे आपका सुबह कोई भी समय ना खराब हो और सबका लंच बॉक्स आप बाहर तैयार करके रखें क्या क्या चीजें मुझे चाहेंगी वो सारे इंग्रेडिएंट्स चेक कर ले अगर कोई चीज नहीं है और आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है तो रात में परेशान ना हो तो वहां पर आप मेन्यू में बदलाव न आइए कोई कई बार ऐसा हो जाता है कई घरों में कि कल ये बनना है मगर वो स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप उस दिन के लिए मेन्यू भी बदल सकती हैं हाँ। तो ये बात ध्यान में रखना है इसका मतलब आपने कहा कि हम प्लान तो करें लेकिन उस प्लान को लास्ट मिनट पर आवश्यकता पड़ने पर बदलने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारे प्लान में होनी चाहिए ठीक है अब हमने जितने हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको इकट्ठा कर लिया रात में ही देख लिया है कि नहीं है कुछ भिगोना है तो भिगो दिया कोई स्पेशल चीज मंगानी है तो हमने वो मंगा करके कर रख ली और इस तरह से हमने अपनी तैयारी पूरी कर, कर ली बिल्कुल अब जब हम कहते हैं कि तैयारी कर ली या रॉ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं कि नहीं है तो क्या हम रोज की रोज ही खरीदें बिल्कुल भी नहीं हाँ ये हम कर सकते हैं कि भाई हम महीने भर का सामान एक बार में लाके रखे ठीक है भी हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे जो हम कहते हैं ना कि एक पेरिशेबिल चीजें होती हैं एक सेमी पेरिशेबल होती हैं एक नॉन यानी कि अनाज वाली चीजें हो गई तेल हो गया चीनी हो गई ये आप ज्यादा मात्रा में भी लाके रख सकती हैं और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कई बार क्या होता है यही पे हमारी चूक हो जाती है भाई वहाँ पे सस्ता मिल रहा था मैं पांच किलो ले आई वो मैं बीस किलो ले आई मगर आपकी रसोई का अंदाजा हमेशा कि क्या मेरे रसोई में उतना अमाउंट रखने की व्यवस्था है या नहीं है बिल्कुल सही कहा आपने देखिये मैं ये चीज भुगत चुकी हूँ की एक बार मैं गई बाजार और वहां पे सेल लगी हुई थी चावल सस्ता मिल रहा था तो मैं दस किलो चावल ले आई अब घर आके समस्या ये हुई कि इसे मैं रखू कहा क्योंकि मेरे पास भी इतना बड़ा कोई डब्बा नहीं था कि मैं दस किलो चावल आराम से रख सकू फिर रखा भी मैंने फिर मेरे लिए वो समस्या हो गई कि इसे मैं बार बार देखती रहू इसमें कीड़े तो नहीं पड़ गए ये ठीक है ना तो इन सब सम, इन समस्याओं से बचने के लिए आप बहुत ध्यानपूर्वक सोचिए कि आप कितना अपनी रसोई में रख सकती हैं और उसकी देखभाल करने का आपके पास में समय है या नहीं है अगर नहीं है तो मत खरीदिए उसको आप बर्बादी मत करिए बिल्कुल और जो रोजमर्रा की चीजों की है जैसे दूध हो गया आपका जो लोग ब्रेड खाते हैं अंडा खाते हैं वो व्यवस्था आप रखिए कि रोजमर्रा आपके यहाँ वो ताजा आ सके और अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो आप कुछ दिन की सब्जियां वगैरह लाके रख सकते हैं मगर ध्यान रहे दूध आपका फिर भी ऐसा मत समझिए कि हफ्ता भर चल जाएगा वो आप रोजमर्रा लाइए और उस तरीके से आप कार्य करें कुछ चीजों को जैसे आपके स्नैक्स हैं बिस्किट्स हो गया नमकीन हो गया कुछ आप ला सकते हैं और कुछ आप आज भी बना के रख सकते हैं जिससे जब भी जरूरत हो आपका परिवार या आप स्वयं भी उसका सदुपयोग कर सके एम आई राइट मैम एबसोल्यूटली ये आपने बहुत बढ़िया बात की है कि uh, कुछ चीजें जो है आप ला करके कुछ uh, मात्रा में अपने किचन में भंडारण कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसके लिए आपको रोज नहीं तो हर ऑल्टरनेट डे तो कम से कम बाजार जाना ही पड़ेगा ताजा प्रोडक्ट आपको लाना पड़ेगा अपने परिवार का uh, स्वास्थ्य जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर मैं एक चीज और ध्यान में लाना चाहूंगी काफी घरों में क्या होता है जब आप ऑफिस से चाहे पुरुष ऑफिस से आए या दोनों लोग आए और जब आप रसोई के अंदर घुसते हैं तब आपको सोचता है अरे मैं तो ये रह गया तो जो हमने प्लानिंग की बात करी क्योंकि तो दोबारा जाना या दोबारा जब आदमी को भूख लगी और जब आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो है नहीं जब तक सब्जी नहीं आएगी कुछ नहीं पक सकता है तो आप पहले सोचिए उससे बहुत सारे लाभ होते हैं जो घर में जो कलह हो जाती है या कुछ हो जाती है वो एक अहम कारण हो जाता है कि आपको भूख के समय भेजा जाता है कि भाई आप जो है ये ले आइए तब खाना आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने कि ये घर में कलह नहीं होनी चाहिए इससे आप बचे रहे प्लानिंग करते रहे और अच्छे से अपने किचन को ऑर्गेनाइज करें जी तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले, ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और इस खास टॉपिक पर रसोई की देखभाल और सफाई इस पर बातचीत चलती रहेगी आप कहीं मत जाइए बने रहिए हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण पिछड़े असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार यहाँ छह महीने से लेकर दो साल तक के अस्सी से ज्यादा कोर्सेज हैं कृषि गृह विज्ञान स्वास्थ्य पैरामेडिकल कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष अधिकतम की कोई सीमा नहीं अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें डब्ल्यू या संपर्क करें टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य नौ तीन नौ तीन आरोप तो आप सभी तरह के व्यवसायिक कोर्स और हर तरह के कोर्स कर सकते हैं एनआईओएस के संग और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहनी कम्युनिटी रेडियो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़कर घर बैठे बैठे ही सारी जानकारी ले सकते हैं जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं रसोई की देखभाल और सफाई पर दो खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजना अग्रवाल और डॉक्टर संध्या कुमार हैं लगातार बातचीत चल रही है तो आगे अब आप लोग क्या फोकस करने वाले हैं देखिए अभी तक हमने बात की है कि हम अपने रसोई को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं कौन सा सामान कहाँ रख सकते हैं क्यों ये भी हमने बात की और प्लानिंग अपने कुकिंग के लिए हम कैसे कर सकते हैं और क्यों बहुत आवश्यक है ये भी हमने बात की अब थोड़ी हम बात करना चाहेंगे कि आपकी रसोई को साफ कैसे रख सकते हैं क्यों रखना बहुत जरूरी है कि हमारी रसोई में सफाई रहे तो इस पर मैं अंजना जी आपसे पूछना चाहूंगी आपका क्या विचार है मैम सफाई तो बिल्कुल रखनी ही है बिना सफाई के तो और रसोई एक ऐसी चीज है कि आप झूठे बर्तन जिसको कहते हैं वो नहीं छोड़ सकते और ये हमारे शास्त्रों से चला आ रहा है कि जो व्यवस्था है जितनी भी साफ होगी हमारी रसोई उतना ही हमारे घर में बरकत होगी ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है और रसोई में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं जिनका सफाई होना बहुत जरूरी है एक तो है आपकी बर्तन जी चाहे वो रोज इस्तेमाल होते हो चाहे वो कभी कभी इस्तेमाल होते हो एक हो है आपकी सर्फेसेस जिस सर्फेस में जहां पे आप खाना पकाते हैं जो स्लैब है आपका जहां पे आप अनाज को भंडारण करते हैं स्टोर अलग भी हो सकता है वहीं पे शेल्फ में भी हो सकता है उसमें रखने वाले जो कंटेनर हैं वो भी हो सकते हैं जहां पानी की व्यवस्था होती है जहां आप बर्तन धोते हैं वो और उसका किनारा बहुत इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ आपकी जो उसमें चिमनी लगी है खिड़की लगी है क्योंकि अक्सर रसोई का एक खिड़की दरवाजा चिमनी ऐसी है जो खाना पकाते पकाते चूंकि तेल का इस्तेमाल भी होता बिल्कुण, है बिल्कुण. मसालों का भी वो क्लॉग हो जाती है जो चीज़. यहीं पे मैं सिंक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ ये क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन बहुत कॉमन चीज हो गई कि भाई हमारा पानी भर गया है रसोई में नाली में पानी नहीं जा रहा है तो इसको कैसे ठीक करें तो ये ये समस्या बहुत, बहुत इन बड़ी समस्याओं, समस्याओं को से भी जो हम बताएंगे इनको इस पे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले देखिए आपके किचन में जो है बर्तन की बात करें सबसे अहम चीज है आपके बर्तन होते हैं बर्तन बहुत तरह के होते हैं स्टील के बर्तन होते हैं लोहे के बर्तन होते हैं आपकी लोहे की कढ़ाई होती है लोहे का तवा होता है आपके पास में क्रॉकरी बहुत होती है तो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जैसे प्लेट्स हैं कटोरियां हैं ग्लासेस हैं बहुत अहम चीजें ग्लासेस पानी पीने के लिए चाय पीने के लिए कप्स होते हैं तो ये भी होते हैं आपके प्लास्टिक के बर्तन भी होते हैं वो माइक्रोवेव में अच्छा जो रखने वाले हो गए बहुत, बहुत हो गए। जरूरी है या जो लंच बॉक्सेस बच्चे या आप खुद ऑफिस लेके जाते हैं पानी है, की बॉटल्स हैं और कई जगह पीतल के बर्तनों का भी चलन है तो पीतल के बर्तन भी होते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं देखिए एल्यूमिनियम या एलोय जैसे आपका कुकर हो गया या कढ़ाई भी होती है तो ये भी आपके होते हैं नॉन स्टिक भी चलाऊ नॉन स्टिक का बहुत पैंस आने लगे हैं तो क्या आप सोचते हैं कि हर तरह के बर्तन को आप एक ही प्रकार से साफ कर सकते हैं निश्चित रूप से नहीं स्टील के बर्तन के लिए आपको अलग से एक जूना रखना पड़ेगा जो आपके लोहे के बर्तन है उसके साफ करने के लिए अलग से स्क्रबर होता है का टुकड़ा ले सकते हैं पीट भी कई जगह यूज होती है या आप राख से भी जो है उनको साफ करना पसंद करते हैं जो आपकी क्रॉकरी है ग्लास वगैरह है उसके लिए आपको बहुत ही मुलायम स्पॉन्ज की जरूरत है प्लास्टिक के लिए भी आप स्पॉन्ज का प्रयोग करते हैं जो पीतल के बर्तन है उसके लिए भी आपको अलग तरह का क्लीनर रखना पड़ेगा तो क्या मैडम आप बताएं कि हर तरह के बर्तन के लिए अलग अलग क्लीनर हमको रखने पड़ेंगे आजकल मार्केट में बहुत तरीके के क्लीनर मिल रहे हैं और आप सिंपल सी चीज अगर रखेंगे जैसे सोपी वाटर हम अगर कहें गरम सोपी वाटर से आपकी जो स्टील है वो बहुत अच्छी चमक जाएगी और एक और इम्पॉर्टेंट बात है अगर आप रेगुलर तौर पे इनकी केयर करेंगी तो बहुत स्पेशल नहीं करनी पड़ेगी एक तो ये बात हो गई दूसरी जैसे पीतल हो गया जैसे अगर आप एक रख के रखती ढक ढकके रखती हैं, जैसे जैसे खराब क्यों हो रहा है एयर के कांटेक्ट में आने के ऊपर और वो, जो वाटर आपने धोया तो गीला रह गया तो अगर साथ ही साथ जैसे अभी आपने मेंशन करा हम पोच के रख देंगे तो ज्यादा खराबी नहीं आएगी गीला अगर रह गया है तो आयरन है तो रस्ट खा जाएगा जी. तो आयरन को धोते ही सुखा कर अगर उस पर थोड़ी सी ऑयलिंग की लेयर कर दी जाए तो वो जंग नहीं खाएगा ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अगर एयर से कांटेक्ट हम मिनिमाइज कर देते हैं तो हमारा तवा जंग नहीं खाता है और हर बार प्रयोग के लिए वो आपके लिए तैयार रहता है ऐसे ही ब्रास है हर रसोई में हमारा कभी सोडा भी होता है विनेगर या कोई एसिडिक पदार्थ भी होता है यानी कि और सादा सादा टेम्बरिंडी ले लीजिए जिसको कहते हैं उसका पानी बनाइए और वो आपका जो ब्रास से वो चमक जाता है फटाफट -पट। पीतल के लिए मैंने एक और चीज करके देखी अंजना जी कि बताए? जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं हमने प्रयोग कर लिया अब वो छिलका बच गया बिल्कुल उसमें जरा सा नमक लगा करके अगर उससे ही हम रगड़ दें पीतल के बर्तन तो, तो अच्छा बड़े चमक निकलते हैं बहुत ही अच्छी बात कही और ये मेरे ख्याल से हर घर में जो मंदिर रखते हैं ज्यादातर लोग उसमें जो दिया होता है वो पीतल का बना होता है और उसके लिए ये बहुत ही कारगर चीज है अगर रोजबर पीतल की चीज़ नहीं भी इस्तेमाल हाँ, कर रहे देखिए ये आपने किचन में जो चीज अवेलेबल है उसी से आपने बर्तन चमका लिए बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है तो ये तो हो गई बर्तनों और बर्तनों में एक चीज और मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहूंगी छलनी चाय की छलनी कई बार दिन में इस्तेमाल होती है प्लास्टिक की है तो सस्ती भी होती है उसको ख्याल रखिए मगर काफी लोग आजकल स्टील की छलनी इस्तेमाल करते हैं और उसके किनारे किनारे वो काला काला जम जाता है और उसका जो जाली है वो भी काली हो जाती है और बहुत मैंने लोगों को परेशान देखा है कि क्या करें तो आप सिंपल से एक दिन आप हफ्ते में बना लीजिए जिसको हम कहते हैं ना कि ये तय कर लीजिए कौन सी कब हमको सफाई करनी है क्योंकि हर रोज सारी सफाई संभव नहीं हो पाती है तो उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे छल्ली तो की हम चर्चा कर रहे हैं तो आप एक बड़े बर्तन में या थोड़ा सा सर्फ या कोई भी पाउडर डालिए डिटर्जेंट पाउडर पानी बॉईल करिए उसी में छलनी डाल दीजिए और फिर टूथब्रश से आप उसको साफ कर लीजिए इस तरीके से बहुत जल्दी आपकी जो है सफाई भी हो जाएगी और चमकती भी रहेगी देखिए कितनी बढ़िया टिप दी है अंजना जी ने आपकी चाय की छलनी को साफ करने के लिए जरा सा साबुन और एक टूथब्रश और आपकी चाय की छलनी आई तो इसी तरीके से छोटी छोटी बेसिक बात आप याद कर लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा हार्ड स्टेन है तो आप सोडे का इस्तेमाल करिए अगर थोड़ा सा ज्यादा जिसमें हमारी ग्रीस ज्यादा लग गई है तो थोड़ा सा विनेगर या नींबू या टैमरेट का इस्तेमाल कर लीजिए तो आप सीधी सीधी लगभग सभी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं जी और यही प्रिंसिपल आ, मेरे ख्याल से काम करेगा जब हम किचन का जो प्लेटफॉर्म है जिस पर हम काम करते हैं उसकी सफाई की बात करते हैं क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कई बार काम करने के बाद सामने सामने से तो पहुंच देते हैं लेकिन ऐसी जगह होती हैं जहां आपने मान लीजिए कोई अपना फूड प्रोसेसर या मिक्सी रखी हुई है।, है या आपने अपना ओवन रखा हुआ है या टोस्टर रखा हुआ है स्लैब पर या माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है आपने उसके नीचे से या उसके पीछे से सफाई नहीं की भिल्कुल वहां भिल्कुल धूल, धूल जम रही है वहां पे जो चिकनाई है रसोई के धुएं की वो भी जम रही है तो इन जगहों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए जो आपका कुकिंग स्टोव है उसके नीचे पहुंचा कि नहीं पहुँचा क्योंकि हर घर में ये होता होगा कि दूध तो कभी ना कभी उबल के उफन के बाहर गिरता ही है दूध है दाल है इवन खिचड़ी जब पकाते हैं तो वो पूरा का पूरा हमारा जो छिटक जाता है बिल्कुल तो ऐसा अगर हो जाता है तो ध्यान रखिए कि स्लैब आप पूरा अच्छी तरह से साफ करें रोज ही साफ करें स्लैब तो मेरे ख्याल से रोज ही चाहिए मगर जो आपने कॉर्नर की चर्चा करी अगर वीकली मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक बिल्कुल है। कम से कम वीकली सारा सामान हटा के खिसका के उसे अच्छी तरह से स्लैब को साफ करें और स्लैब के साथ जो टाइल्स लगी हुई है या जो दीवार है वो भी आप साफ करें क्योंकि वहां भी छीटे पड़ते हैं दाल के तेल के धुआं वहां भी जमता है तो वो भी आप कम से कम हफ्ते में एक बार जब भी आपको फुरस हो आप उसे भी साफ करें आप यहीं पे जैसे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी जो आपका टोस्टर है या आपकी मिक्सी है तो कुछ चीजें जो यूज होती हैं उसके नीचे चाहे न्यूज़पेपर लगा लें पुराना बिल्कुल पुराना कोई नैपकिन लगा लें पुराना कोई कपड़ा बिछा लें तो आपको सरफेस साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप उसको पीरियोडिकली चेंज कर सकते हैं जी और दूसरा बिछा सकते हैं तो नीचे गिरने वाली चीजें जो है वो आपकी बच जाएंगी और वो आप आसानी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी बहुत होते हैं तो इस सफाई में आपको ये बात का बहुत ध्यान में रखना है कि आपका इलेक्ट्रिक सॉकेट में वो लगा हुआ ना होता हाँ, प्लग हटा करके आप सफाई करें, करें तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और पानी से ज्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि अगर कहीं पानी में अगर लीकेज अंदर हो जाती है तो आपका इक्विपमेंट खराब हो सकता है हाँ, या दोबारा लगाने में आपको वो झटका दे सकता है इस बात का विशेष ध्यान रखें यानी अगर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट <coughs> है और फैन आपकी गर्मी में आपके लिए भी काम आता है एग्जॉस्ट फैन भी यूज होता है और आजकल कई लोग सीलिंग फैन भी लगाने लग गए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया ये बात आप अगर माइंड में हमेशा रखेंगे कि आपकी रसोई में उगने वाला काफी सारा ग्राइंड पैदा होता है ग्राइंड मतलब जो आपका तेल जो उड़के जम गया है उसको हम ग्राइम का नाम दे रहे हैं वो आसानी से ऐसे मत समझिए कि आपने एक कपड़ा मारा सूखा और वो ग्राइम निकल गया मगर वो अगर सही नहीं निकला है तो वहां पे कब, कब, कोई भी हजार्ड होगा या कभी भी तो सबसे ज्यादा पकड़ में वही चीज आती है तो आप उसको पीरियोडिकली खुद साफ करें किसी डिटर्जेंट से साफ करें अगर आपको लगता है हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की भी मदद ले सकते हैं राइट right बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि सफाई नियमित रूप से करें बहुत आप जरूरी है स्वयं कर पाए तो स्वयं करें नहीं तो जहां आपको मदद लेने की आवश्यकता है वहां आप बेहिचक मदद लें किसी प्रोफेशनल को बुलाएं और ये काम करवाएं इसे भूलें ना आपको करना जरूरी बहुत है। बहुत हजार हमने नोट करे हैं और यहीं पे मैं जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अभी हमने यूटेंसिल्स की बात करी थी और सेफ्टी मेजर्स पे हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं कुकर को मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगी आज हर घर में कुकर इस्तेमाल होता है तो कुकर में क्या होता है कि आपका प्रेशर बिल्डअप होता है और उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है एक गैसकेट होती है जो अक्सर ढीली हो जाती है या चिपक जाती है और आपको वो ढंग से कुकिंग नहीं करती और आप ये बात ध्यान भी नहीं देते हैं जहाँ पे आपकी सीटी लगी होती है उसी को आप धो देते हैं फिर से इस्तेमाल करते हैं और नीचे से जो उसमें छेद है सब्जी के धागे या कोई मसाले के धागे उसमें बंद हो जाते हैं अब वो जो आपका धीरे धीरे खराब हो जाता है आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी ब्लास्ट हो सकता है तो इन चीजों को ध्यान देना अति आवश्यक है इसका मतलब जब बर्तन आपके धुल रहे हैं आपका कुकर धुल रहा है तो उसकी सीटी निकाले और उसे बहुत ही ध्यान से अंदर तक सफाई करें, ताकि वो आपके लिए कोई हैजर्ड ना पैदा करे आगे जा करके ठीक है हम आते हैं जैसे हमने जालियों की बात करी सिंक के ऊपर तो मैम सिंक का महत्व क्या है सिवा सिर्फ सब्जी धोने के और बर्तन धोने के या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स आती है नहीं इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है अंजना जी होता क्या है खासकर देखिए आप सर्दी का जो मौसम है उसमें जब हम हरी पत्तेदार सब्जियां बनाते बिल्कुल हैं, अच्छा और काटते आपने? हैं मान लीजिए धनिया ही आप धो रही हैं या मेथी आप धो रही हैं तो उसके छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं वो पानी के साथ बह जाते जाते ठीक है कोई बात नहीं बह गए आपका कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन नुकसान कहाँ हुआ कि वो जो सिंक का जो पाइप है उसमें जा करके फंस जाते हैं धीरे धीरे पहले आपको दिखेगा कि पानी धीरे से जा रहा है कभी कभी रुक जाता है फिर अक्सर ही होने लगेगा फिर पानी जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा बिल्कुल तो ये समस्या आम जो है किचन्स में, में पता ही है। नहीं चलता और इसमें दो एग्जाम्पल मैं और जोड़ना चाहूंगी लोग दूध की थैली लाते हैं और किनारे से छोटा सा काटते हैं वो जो प्लास्टिक था वो भी आपकी अंदर चला गया ब्लॉक हो गई प्याज का जो टुकड़ा है वो भी ट्रांसपेरेंट होके आपको दिखता ही नहीं है मगर वो आपकी डालनी बंद हो जाती है तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप बहुत ही खोलता हुआ पानी जो है उसमें पहले डालें। अगर उससे नहीं निकलता है जी ठीक है तो उसमें आप थोड़ा सा जो है सोडा डाले जी उसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा विनेगर डाले विनेगर यानी सिरका सिरका ये आमतौर पे घर में अवेलेबल होता है आपके किचन में मिल जाएगा आपको तो जब ड्रेन आपकी चोक होने लगती है तो उसमें थोड़ा आपने सोडा डाला बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं और उसके ऊपर आपने विनेगर डाल दिया और उसके बाद खोलता हुआ पानी आपने उसके ऊपर डाल दिया इससे जो आपके ड्रेन में जो कूड़ा अटका हुआ होता है वो खुलता चला जाता है और आपके सिंक की जो नाली है वो साफ हो जाती है तो ये बहुत आसान सा तरीका आपने बताया और बहुत सारे कई बार प्लम्बर को आपको बुलाना पड़ेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा और समय से नहीं आएगा आपका काम रुका रहेगा सुबह आपको जल्दी है ऊपर से डाली भी चेक हुए ऑफिस में लेट होने का एक बहुत आसान सा तरीका <laughs> है आम और ऐसा होता है ये जो आप सिंपल सा और भी कर सकते हैं कि आपका जो हैंगर होता है उसको आप खोल लीजिए छोटा सा हुक बना लीजिए क्योंकि वो बहुत मुलायम भी नहीं होता है बहुत कड़ा भी नहीं होता तो वो अपने आप में घूम सकता है उससे भी आप थोड़ी सी क्लीनिंग कर सकते हैं और जो मैम ने तरीका बताया है ये तो फुल प्रूफ तरीका है क्योंकि जो विनेगर और सोडा का जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे आपका जो झाग बनता है वो पूरी क्लीनिंग को क्लियर कर दे क्लियर कर देता है ये देखिए अंजना जी हम लोग तो एक दो चीजों की बात कर रहे हैं लेकिन आमतौर पर गृहिणी जो है वो अपने तरीके निकाल ही लेती है निकाल ही लेती है और अपने सिंक की ड्रेन को नाली को साफ रखती है।, है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है उन लोगों के लिए करने के लिए इस और ल... से ये सब करके सिर्फ हम इन चीजों की देखभाल नहीं करते अपना समय बहुत बचाते हैं सेहत बहुत ठीक रखते हैं जी तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं और स्थित लुक भी बन जाते हैं मगर सेफ्टी भी मैम उतनी ही जरूरी उससे पहले अंजना जी मैं इसको रिकैप करना चाहूंगी कि जब हम सफाई की बात करते हैं तो सफाई हमने देखा कि बर्तनों की होती है दिन में एक से ज्यादा बार होती है दो बार तीन होती बार होती है। जो है हम बर्तन साफ करते हैं उससे उसके बाद हम देखें तो जो हमारा किचन का स्लैब है या जो किचन का फ्लोर है या जो उसकी हम सफाई करते हैं तो दिन में एक बार तो कम से कम होती ही होती है जरूरी ठीक है।, है।, है उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे स्टोरेज कंटेनर्स हैं जो हम पॉट्स एंड पैन अपने रखते हैं जिनमें है। हमने अपने मसाले रखे हुए हैं या दाले रखी हुई है वो भी साफ करना बहुत जरूरी है तो मानिए उनको हम महीने में एक बार साफ कर सकते हैं खोलिए रोज कुक कर रहे वो तो रोज करेंगे ही करेंगे नहीं वो तो जो पकाने वाले बर्तन है उनका तो रोज सफाई हो हाँ। रही है पर जिनमें हम भंडारण करते हैं स्टोरेज हमारे कंटेनर्स है उनका हम उनको भी साफ करें हाँ। तो महीने में महिने एक बार में कम एक से, से, से कम उन्हें साफ करें और आपको पता भी लग जाएगा भाई क्या चीज मेरे पास है कितनी है कितनी और खरीदनी है कौन सी चीज खराब हो रही है अगर आपके घरों में धूप आ रही है और समय तो आप उसको धूप से ही लगा सकते हैं अवॉइड करिए कि अंदर कुछ आपको केमिकल से बचाना पड़े तो उतना ही खरीदे और जैसे अभी हमने चर्चा करी कि उसको हम बाहर निकालने चीजों को डब्बा साफ करें तब नई चीज भरे और जो बाहर निकालिए तो, जो बच गई है सपोज आपके पास एक किलो कोई आप दाल लेके आती है मगर तो पहले से ही आपके उसमें दो मुट्ठी दाल बची हुई है मैं क्योंकि ना आप नाप पा रहे हैं उसको ना मैं नाप पा रही हूँ तो ये नहीं हम कह सकते 200 ग्राम बची है तो जो दो मुट्ठी वाली है पहले लीजिए कंटेनर को साफ करिए समय है तो पूरा डिटर्जेंट के साथ साफ करिए सुखाइए क्योंकि कोई भी कीड़ा आपका जो डेवलप होता है वो वार्म प्लेस में मॉइस्चर के साथ अगर हो तो हमारा बहुत जल्दी ग्रो होता है और गंदा रह जाए तो तो आपने देखा होगा हर कंटेनर पे लिखा होता है स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस Absolutely. तो ये दो शब्द बहुत बड़ा okay. मीनिंग कह देते हैं जी तो जी, वो जी. हमें करना ही चाहिए उसमें हमने और काफी सारी चीजों में हम ये बात करेंगे कार्टन आजकल हम बहुत ले रहे हैं सॉस हो गया जग ये जूसेस हो गए ये सब चीजें हम बाजार से बहुत लेके आ रहे आम हैं लेके आते हैं जी। और वो आधे ही यूज होते हैं तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कोई ना कोई चीज आपको रखनी की बचाव हुआ आप खुला ना रखें उसे समय पर समाप्त करें या उसे जल्दी हो सके आप करे कर और अगर जगह है तो आप अपने उसमें रखें रेफ्रिजरेटर में रखें उस तरीके से आप उसको रखें और आप उसको बोल्ड कर भी रख सकते हैं किसी बड़े एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं जिससे कि वो जल्दी वो यूज ना हो सके और उसकी जो शेल्फ लाइफ है प्लीज उस पर ध्यान देना शुरू करें कि उसको पढ़ना शुरू करें कि लेबल पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और काफी घरों में क्या होता है चीजों को आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर में जैसे आप बात कर रहे रख सकती है इससे अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आपके घर में दूसरे व्यक्ति आया है उसको इस्तेमाल करना है तो उसको क्लियरली मालूम होगा उसे दिक्कत ना होगा और आप लेबल भी कर सकते हैं जैसे आप नहीं काम कर रहे आपकी एक बाई है आप घर पर नहीं है या आप हर बार उसको नहीं अटेंड कर पा रहे मगर उसकी भाषा में अगर आप लिख देख ये जीरा है और ये बुना जीरा है ये अजवाइन है ये कुछ चीजें तो जल्दी समझ भी आ जाती है मगर जो कुकिंग के लिए एक्सपर्ट नहीं है जो नया नया कुकिंग सीख रहा है उसके लिए लेबल ये बहुत कारगर हैं। जी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने इसके साथ में ये कहना चाहूंगी अंजना जी की हम लोगों को कम से कम एक अपना पीरियड तय कर लेना चाहिए कि कब हम अपनी रसोई की स्प्रिंग क्लीनिंग करेंगे बिल्कुल सारा सामान के बारे में थोड़ा बताएं मैम उसमें है। उस स्प्रिंग क्लीनिंग का मतलब होता है कि देखिए सारा सामान निकाल करके उसको अच्छी तरह से धो करके साफ करके पहच करके और फिर दोबारा से उसको लगाए ठीक है अब ये एक बड़ी एक्सरसाइज है इसको हम रोज नहीं कर सकते ना ही हम हफ्ते के हफ्ते कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि मैं खाली हूँ छुट्टियां हैं तो तब आप कर सकते हैं और साथ में सिर्फ पकाने का सामान या कंटेनर ही नहीं यहाँ पर आप हर्चिया भी करेंगी दरवाजे भी करेंगी और शेल्फ में कोने तक सफाई होनी आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे कोने में अक्सर नहीं करते हैं शेल्फ की सफाई अक्सर नहीं करते हैं जैसे हमने कॉकरोच की अभी बात करी थी तो मुझे कॉकरोच वालों को जब आए थे उन्होंने मुझे सजेस्ट कर आप न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर ना लगाएं क्योंकि कॉकरोच उसके नीचे अपनी जगह बना लेते हैं बिल्कुल तो उसको सफाई रेगुलर करें कोई सिंपल सा आप इनामल पेंट कर दीजिए तो मगर पेपर या कुछ ना लगाएं और दूसरी बात एक और ख्याल रखिए कई बार लोग फैंसी तरीके से कपड़ा नीचे को डाल के रखते हैं लेकिन आप अपनी ऐसी सजावट आप बाकी कमरों के लिए छोड़ें किचन में कोई भी लटका हुआ कपड़ा को इस्तेमाल ना करें हाँ एक्सेप्ट योर जो टॉबल है मगर उसकी स्पेस भी आपकी जो कुकिंग स्टोव है उससे, उससे दूर, दूर रहो तो ये जो आपने बात कही है कि कोई भी कपड़ा हमारे यहाँ लटका हुआ किचन में नहीं होना चाहिए वेरिंग क्लोथ इसके पीछे क्या कंसर्न है हमारा ये जरा बताएं आप हमारे श्रोताओं को बिल्कुल कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि जब आप कुकिंग करते हैं अगर किसी वजह से हमारा वो आग ज्यादा पकड़ ली खासतौर से जो हमारी इंडियन कुकिंग है वो हम कलछी लेते हैं उसमें तेल डालते हैं उसमें हम हींग जीरा जो भी हमें डालना डालता है वो धीरे धीरे हम उसे भूनने के चक्कर में वो फटाफट आग पकड़ लेता है और आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, वो आग कहाँ जा रही है एक तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है और हमारी जो कुकिंग का तरीका है चाहे पैन में भी कर रहे हैं तो भी ये बॉडी कॉमन सी चीज है हर व्यक्ति ने शायद ग्रेडी ने कभी ना कभी अनुभव करी होगी तो वो जलने वाला जो स्थिति है वो कभी ना आने पाए तो हमें बहुत ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ चाहे कोई भी ट्यूब हो या कुछ ट्रिट बिट्स आप ध्यान में रखें याद करने की भाई अगर जल जाए जलने का मतलब ज्यादा हीट हो गई सीधे के सीधे आप पानी में डाल लीजिए बिल्कुल कोई ना कोई ट्यूब जो है वो आप अपनी रसोई में रखिए। आप आटे में डाल लीजिए कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें और हमारे घर में जो गैस स्टोव इस तो इस्तेमाल होती है उसका रेगुलेटर चेक करना उसकी लीकेज कहीं पर ना हो चाहे वो आपकी कई बार क्या होता है ना आपकी गैस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं बंद हो गया है रुकावट है और आप उसे खोल के आप ढूंढने लग जाते हैं ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है कि मैं उसको ठीक करने के लिए आप पिन ढूंढने लग जाते हैं और आपने गैस का रेगुलेटर ऑन छोड़, और छोड़ दिया।, दिया है पाइप कई बार हमारा बारीक बारीक छेद हो जाते हैं हमें मालूम ही नहीं चलता है जब बहुत पुराना हो जाता हाँ, है तो अगर आप जरा सी भी गैस की स्मेल सेंस करते हैं तो आप उसको तुरंत अटेंड करिए कैरोसिन के स्टोव भी कुछ लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए आपकी विक कैसी है कहीं से लीकेज तो नहीं है ओवर फ्लेम तो नहीं है चिमनी एग्जॉस्ट फैन के बारे में हमने बात करी कि भाई चिमनी क्यों आवश्यक है क्योंकि आपका जो धुआं उड़ रहा है उसको आपको बाहर बाहर निकालना, निकालना है इसी तरह से देखिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज होते हैं क्या क्या हो सकते हैं देखिए हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है टोस्टर होता है और इसके अलावा आजकल हम ना वॉटर का बहुत रखते हैं जी कि हमारा वाटर प्योरिफायर है वो बिल्कुल उसका होता है वो भी हमारा भी से होता चलता है, है, चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इन सब की साफ सफाई रखना के साथ साथ हमें उसकी सेफ्टी मेजर्स के ऊपर सबके साथ इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसके हिसाब से तो चलना चाहिए फॉलो करना चाहिए और रेगुलर चेकअप जो है जरा सी भी लीकेज है धुआं है इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगी कई बड़ी चीजें खराब हो जाती हैं और आप उसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और फिर आप भूल जाते हैं कि क्या खराबी हुई थी उसको ठीक नहीं कराते है और दोबारा से उसको इस्तेमाल करने लगते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करने लगता है बिल्कुल और वहां पे वो बहुत बड़ा हजार बन सकता है तो टाइमली उसको डिस्पोज करें या उसको रिपेयर कराएं तो ये बात मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है मैम ये और... ये तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस के बारे में आपने बताया कि उनकी आ, बिल्कुल मरम्मत का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ठीक से चल रहे हैं ठीक से काम कर रहे हैं और जरा सी भी कहीं हमें अगर जरा सा आभास होता है कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है तो हमें तुरंत उसका जो है मेंटेनेंस कर लेना चाहिए लेकिन एक चीज है हाँ। अंजना जी देखिये हम बहुत बार इसका ध्यान नहीं देते हैं कि जो हमारे हैंड टूल्स हैं यानी हैंड टूल्स मतलब है जैसे हमारे चाकू हैं जिनसे हम काम करते हैं ब्लंट हो जाते हैं काम हाँ। करते करते उसकी धार कम हो जाती है हो लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं अब इसमें आप बताइए कि अगर हम ब्लंट चाकू से काट रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या है काट तो रहा है वो नहीं नुकसान क्यों है आपको एनर्जी भी आपकी वेस्ट हो रही है जो काम आप सेकंड्स में वो कट कर सकता था आप उसके पीछे लगे हुए लगे हुए आपको दम लगाना, दम, पड़ता दम है। लगाना पड़ रहा है और कई बार उस दम लगाने में आपका हाथ ऐसे घूम जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता और उसका जो ब्लंट एरिया है आपका हाथ काट देता है बिल्कुल जो काम एक हाथ से करते हैं दोनों हाथ से करना पड़ता है दूसरा हाथ कट जाता है बिल्कुल तो देखिए ये एक सेफ्टी मेजर की बात आई कि चाकू जैसी छोटी चीज को भी हमें मेंटेन करके रखना चाहिए अगर ब्लंट हो गया है तो उसे हटा दे और दूसरा नया ले के आए इसी उसमें मैं बात करना चाहूंगी अंजना जी आजकल बड़े सारे हम लोग चॉपिंग बोर्ड्स की बात करते हैं जिसमें एक बोर्ड होता है चाहे वो लकड़ी का हो चाहे प्लास्टिक का हो चाहे टाइल का बना हुआ हो और उसमें एक ब्लेड अटैच्ड होता है तो इसकी सफाई और इसमें क्या सेफ्टी मेजर हम ले सकते हैं ये बताएं जरा सेफ्टी मेजर जहां भी भी ब्लेड की बात आती है चाहे वो आपकी चॉपिंग बोर्ड का हो नाइफ हो सीजर्स हो जो तीन चीजें हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं किचन में खास तौर से तो हमें जब उसकी एक तो सफाई रखनी है मगर सफाई करते समय हमें ऐसा ध्यान रखें मोटा कपड़ा लें जिससे आप उसकी धार को सफाई कर सके ये ना कि आप अपने हाथ काट लें और कहीं पे भी उसको वो किनारा अगर ढीला हो रहा है चॉपिंग बोर्ड की जो बात करी कई बारी यूज करते करते किनारा ढीला हो, हो जाता है और हम उसको नहीं करते सॉस पैन में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है उसका हमारा जो स्क्रू है वो ढीला हो जाता है हम हिलाते हिलाते पता लगा चाय जो हमने कप में छाड़ी वो चाय के साथ साथ पूरा का पूरा उलट गया और आपको जलने की स्थिति बन जाती है या आप कूद जाते हैं या पूरा आपका किचन फैल जाता है तो एग्जैक्टली exactly यहीं पे सेफ्टी मेजर से आप साथ में अपने किचन में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी रख सकती हैं तो लगातार उसको आप टाइट करते रहिए अगर वो इतना पुराना हो गया है तो आप उसको रिप्लेस कर लें या चेंज कर लें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगी और आजकल एक इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात चल पड़ी ये है। बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है कि किचन में हम बहुत एनर्जी यूज करते हैं अपनी भी और जिससे हम खाना पका रहे हैं वो एनर्जी वो एनर्जी भी। भी। तो दोनों पे ही थोड़ा प्रकाश डालिए कि हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं संरक्षण कैसे किया जा सकता है इस एनर्जी का एनर्जी के लिए मैं बात करना चाहूंगी जो चीज जैसे हमारा कुकर जब हमारा चला था तो इसके साथ बहुत बड़ी बात आई थी कि इसे एनर्जी सेविंग यानी कि जो कुकिंग हम चार घंटे में करते हैं जो चार घंटे हम आग का इस्तेमाल करेंगे चाहे वो गैस का इस्तेमाल करेंगे तो वो अगर कुकिंग कुछ टूल्स करके कुछ स्किल डेवलप करके कुछ मील प्लानिंग करके अगर हम दो घंटे में कर सकते हैं तो एक तो हमने एनर्जी वहीं पर सेव कर ली मेंटेनेंस के साथ हम एनर्जी सेव कर सकते हैं क्लीनिंग के साथ एनर्जी सेव कर सकते हैं ऑर्गेनाइज अगर होगा तो इसमें दो एनर्जी सेव हो रही है एक तो हमारी जो बाहर जो टूल एनर्जी थी वो सेव हो रही है ऊपर से हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी एक्स्ट्रा लग रही थी वो भी सेव हो रही है और आजकल काफी चीजें सोलर में आ रही हैं मिट्टी की बनी हुई आ रही हैं इस तरीके से हमने बात करी तो मेरे ख्याल से हमारा जो समय है वो हमें इजाजत और ज्यादा बातें करने का नहीं दे रहा है तो हम बात ये कहना चाहेंगे कि हमने किस किस बात पे बात करी थोड़ा सा समराइज बिल्कुल मैं थोड़ा समराइज अगर कर दूं तो आज हमने किचन की देखभाल की बात की है उसमें हमने बात की कि हम अपने किचन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं अपने प्लानिंग की कुकिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है अपने किचन की सफाई कैसे हम कर सकते हैं अलग अलग तरह की जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं किचन में उसको कैसे और कब साफ करें और किचन में काम करते हुए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए किस तरह से हम अपने आप को अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं इस पर भी हमने आज चर्चा की है आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा जी आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजन अग्रवाल एस और डॉक्टर संध्या कुमार डिप्टी डायरेक्टर एनआईओएस आप दोनों का बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग स्टूडियो में आए समय निकाला और रसोई की देखभाल और सफाई पर यह विस्तार से बातचीत की थैंक यू नमस्कार हमारा नमस्कार